ब्रेक परे स्वागत। गृह प्रवेश बेले जंगल और परिवेश मंत्री नियारा प्रयास। अतिथि मानंकु गच्छ उपहार दे परिवेश सुरक्षार बार्ता देछंती मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। निज सरकारी बासभवन में गृह प्रवेश करुछंती जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। अवसर में आसीथिबा अतिथि मानंकु गच्छ चारा उपहार देछंती मंत्री। गृह प्रवेश उत्सव में उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंह देव समेत विभिन्न विभाग मंत्री और विधायक माने जोग देते समस्ते गृह प्रवेश करथांती नुआ घर जेतेबेले करथांती बा कोनोसी सरकारी बासभवन हो गृह प्रवेश करथांती। किंतु आपण देखिथिबे गृह प्रवेश बेले भोजि भात हुए पूजा पाठ हुए एवं उपहार बदल रे प्रति उपहार मध्ये दिया जाए। किंतु जंगल परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया आज तांकर सरकारी बासभवन रे गृह प्रवेश करछन्ती एवं से गोटे नियारा प्रयास आरंभ करछन्ती। मु पछपटे आपनको देखाइबा पई चाहिबी। एठे देखुथिबे विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रजातिर गछर चारा सबु अछि एवं गछर चारा गुड़ी को विभिन्न समय रे विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान माने बांटी थांती। किंतु आज निजर गृह प्रवेश बेले निजे जंगल परिवेश मंत्री परिवेश सुरक्षार बार्ता देकी गछर चारा गुड़ी को जो माने भी एठी अतिथि आसुछंती सेमानंकु बंटन करुछंती। आमे मध्य मंत्रींकर प्रतिक्रिया नेबा। प्रकृतरे आज्ञा गृह प्रवेश जेतेबेले हुए आमे अत्यंत खुशीर कथा जेतेबेले जे गृह प्रवेश करथांती भोजि भात करथांती विभिन्न प्रकार आयोजन होइथाय। किंतु आमे एठी देखुछु जे आपण सबु गछर चारा लोकमानंकु बंटन करुछंती एभळी करिवार उद्देश्य कोन? आजर पवित्र दिन में माँ पूजा चली समग्र भारत वर्ष रे समग्र पृथ्वी रे से अवसर आम भी गृह प्रवेश करुचु। जंगल विभाग मंत्री हिसाब से मु समस्त को अनुरोध करे आम अनुरोध करूचे परिवेश केमती संतुलन हो पार आपण मैंने जदि आगुरु आम सचेतन हबानी ताहले अन्य मैंने भी सचेतन हो पारे ना। निश्चित भाव में हायर क्वालिफाइड शिक्षित अच्छा तांकु आमे जागृत करने सहित अन्य मानी जागृत हूँ से आम प्रयास जारी रखीचुजे केमती आम परिवेश को संतुलन करवा जमी आम संरक्षण सुरक्षा एवं अभिवृद्धि हम विभिन्न प्रकार आक्टिविटी माइनिंग आक्टिविटी आम सब परिवेश को नष्ट करूचे संतुलन करने समस्त घरे घरे आम सचेतन हबार अच्छे एवं मुंड पिछा गोटे गोटे गच्छ लगेबार अच्छे। वर्तमान समग्र पृथ्वी रे जलवायु परिवर्तन होउछि पानीपागर भी परिवर्तन होउछि आपण एबे देखुथबे निजे एठी अनुभव करि परथुबे जे वर्षा दिने खरा दिन भलिया अनुभव होउछि एभली परिस्थिति रे गछ गुड़ी कर एवं विशेष करी जंगल रो केते महत्व रही थाए बहुत अनेक योजना करा जाउछि प्रयास करा जाउछि किंतु लोक माने सेही परिमाण रे सचेतन हेइ पारु नाहंती। प्रधानमंत्री मध्य मां पई गछटिए जो उद्यम आरंभ करछंती ताहा वर्तमान व्यापक ढंग रे चालीछि एहा निरंतर केमती चली पारे? निरंतर आमर सामाजिक दायित्व आहुरी अधिक आमे निभेबार अछि भागीदारी हबार अछि। सरकारंकर जहाँ योजना अछि निश्चित भाव में वास्तव रूप देखा माने दबा पई चेष्टा करिवे ता सहित सामाजिक अनुष्ठान रे काम करूथवा लोक साधारण लोक जब तक सिविलाइजेशन हेबेनी आमे कौन किछि करि परिवाने सेथिबे आमर निरंतर भाव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ए वर्ष आम 5 कोटी गच्छ लगेच आम विभाग तरफ 5 कोटी ता बाद रे आम यशस्वी प्रधानमंत्री नारा जो थिला एक पेड़ माँ के नाम पे समग्र उड़ीसा रे आम 5 कोटी रु अधिका गच्छ लगेच ताड़ गच्छ मत लगेच से तो सरकारी प्लान एंड प्रपोजल अच्छे ता बाद रे आम साधारण लोक को 4.5 कोटी लोक अच्छा प्रत्येक परिवार जतिक लोक अच्छा समस्ते समस्ते जदि लगेबे निश्चित भाव में आमर परिवेश पुनश्च पृथ्वी फेरी आसवे ये परिवेश निर्मल हम स्वच्छता सृष्टि हम आमर जहाँ जो विभिन्न आम डेवलपमेंट आक्टिविटी आम नष्ट करे फेर आने महत्व उद्देश्य। शेष प्रश्न रहिबो आपण मयूरभंज जिल्लारु एवं आपण निर्वाचन मंडली रे ही सिमिलिपाल जातीय उद्यान मध्य रही तेब यही जो जातीय उद्यान गुड़िक आमर निश्चित भाव परिवेश को अनेक सहायता होता है केमती सुरक्षित रहिबो वर्तमान उड़ीसा रे विभिन्न जगार आधुनिकता किंतु अनेक गछ मध्य बळी पड़ुछि सेथिपई विभाग कौन पदक्षेप सब नौचे आपण तो निजे व्यक्तिगत भाव पदक्षेप नौ गछ समस्त बांटुछन्ति
ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଳ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିବା, ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଠି କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ବିକିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର ଦେବା। ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟରେ ଏବେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିକି ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କେମିତି ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନୀକରଣ। ଏବେ ତ ବହୁତ ବନୀକରଣ ହେଉଛି, ବନୀକରଣ ଖାଲି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ହଉ, ବାହାରେ ହଉ, ବିଲରେ ହଉ, କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଏଥିରେ ଯେତେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଏଡ଼, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଟିକିଏ ଜାଗୃତ କରିବାର ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଅଛି, ମାଇନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାର ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଲାଇଡ଼୍ ହିସାବରେ କନଭର୍ଜେନ୍ସି ମେଟ୍ରେ କାମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଗରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା, ମାଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗାଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ବୋଲିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଲସୋ ୱି ଆର୍ ଡେଭଲପିଂ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ସେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଲଗେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ରାଠୋଡ଼ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।